फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है, फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। वी नो हिम एज बियर बाइसेप। ही फोकसेस ऑन फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफस्टाइल थ्रू हिज द रणवीर शो। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी आप, मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछा, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं, मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना जी। जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां हैं, नहीं हो पाती, तो नींद योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो सारे के बहुत होते हैं भाई। All the way. Thank you.